आज बस्ती जिले के टाउन क्लब में स्वर्गवासी विष्णु दत्त ओझा की पुण्यतिथि के अवसर पर 13वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। महाराजगंज के सिदुरिया थाना क्षेत्र में 210 बोरी अवैध नेपाली लहसुन के साथ दो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, जिनके कब्जे से दो पिकअप भी बरामद हुए। उन्नाव के बागरमाऊ कोतवाली क्षेत्र में प्रधान के घर पर पथराव और फायरिंग के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 25 लोगों पर नामजद और 20 अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज हुई है। इसमें BJP विधायक श्रीकांत कटारिया का खास गुर्गा शुभम मिश्रा का भी नाम शामिल है। आज उत्तर रेलवे के GM उपेंद्र जोशी ने जिन अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 40 रेलवे स्टेशनों का तेजी से कायाकल्प कराया जा रहा है, उनका दौरा किया। बता दें, अगले साल जून माह तक ये सभी 40 स्टेशन हाईटेक सुविधाओं से लैस करा दिए जाएंगे। यहां पर यात्री को तमाम ऐसी सुविधाएं मिलेंगी जो अभी तक स्टेशनों पर नहीं मिलती हैं। कानपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने सीसामाऊ विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ और आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने बैठक का आयोजन किया, जहां सीसामाऊ विधानसभा क्षेत्र में आगामी होने वाले उपचुनाव के लिए कार्यकर्ताओं के बीच जिम्मेदारी बांटी और कार्यकर्ताओं से कहा कि वो आगामी चुनाव को लेकर अपनी कमर कस लें। इस बार हर हाल में सीसामाऊ विधानसभा में भाजपा का परचम लहराना चाहिए। उन्नाव के अजगैना क्षेत्र के ग्राम मालवा में सास से विवाद के बाद बहु शांति पत्नी देशराज सिंह ने अपने 4 साल के बेटे संगम को मौत के घाट उतार दिया और फिर खुद सुसाइड कर लिया। घटना के समय पति घर से बाहर था, वो लौटकर कमरे में पहुंचा तो बेटे और पत्नी के शव को देखकर बेहोश होकर गिर गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कन्नौज में सरकार ने सरकारी अस्पतालों में स्वयं सहायता समूह को जिम्मेदारी दी है। अब सरकारी अस्पतालों में महिलाएं खाना बनाएंगी, जिसमें चयनित समूहों को मंत्री असीम अरुण ने बधाई दी। कन्नौज में SP डॉक्टर संसार सिंह की अगुवाई में बाढ़ से निपटने की तैयारियों का मॉक ड्रिल किया गया। मॉक ड्रिल में बाढ़ प्रभावित लोगों को शिविर तक पहुंचाने, डूब रहे लोगों को बचाने का अभ्यास कराया गया। ASP ने ड्रिल में पाई गई कई खामियों को भी दूर करने के निर्देश दिए। यूपी के फतेहपुर में एक पीड़ित ने कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी से शिकायत कर दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने की शिकायत की, जिससे एक दबंग पीड़ित से मुकदमा वापस लेने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित परवीन ने जिलाधिकारी से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। पौड़ी में ऑनलाइन फाइनेंस के माध्यम से लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले दो शातिर ठगों को खेड़ा से गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों को कोटद्वार पुलिस ने कोर्ट में पेश कर उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई की है। मामले में तीसरे आरोपी नरेंद्र भाई पटेल कैंसर से पीड़ित है, जिससे उसे धारा 41 CRPC के तहत नोटिस भेजा गया। उत्तराखंड राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड के मंत्री गणेश जोशी ने कारगिल वीरगाथा लिखने वाले वीर सैनिक नारियों को सम्मानित किया। उत्तराखंड सैनिक मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि सौभाग्य है कि एक सैनिक के रूप में देश सेवा की वीर नारियों को सम्मानित करते हुए हर्ष हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री सैनिक पूर्व के संकल्पों को क्रियान्वित कर रही है। किच्छा के क्षेत्र में आज शांतिपुरी में उत्तराखंड राज्य की मूल क्षेत्रीय दल और अलग राज्य निर्माण की जननी उत्तराखंड क्रांति दल ने अमर बलिदानी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी देव सुमन की पुण्यतिथि और दल के स्थापना दिवस 25 जुलाई के अवसर पर जिलाध्यक्ष मोहन चंद्र पांडे की अध्यक्षता में अमर बलिदानी श्री देव सुमन की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उत्तराखंड के हरेला पर्व के पखवाड़े पर राजकीय इंटर कॉलेज थराली में आज अलकनंदा वन प्रभाग, बद्रीनाथ वन प्रभाग और वन सरपंच संघ के संयुक्त तत्वाधान में छात्र छात्राओं, शिक्षकों और अभिभावकों ने विद्यालय परिसर में वृद्ध वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें कई प्रजातियों के पौधों को रोपकर उनके संरक्षण का संकल्प लिया गया।